हम लोग कुछ दिन पहले ये बोले कि ये सरकार नवीन पटनायक का सरकार भ्रष्टाचार कर रहा है। कुछ दिन पहले हम लोग ये आरोप पत्र जारी किए कि ये सरकार एक इनएफिशिएंट सरकार है, ये सरकार काम नहीं कर रहा है। ये इनको इतना इंटॉलरेंट कर दिया कि आज उनका जो बीएमसी का कमिश्नर और मेयर, उनका जो एनफोर्समेंट टीम है, उनको इस बारे में एग्जीक्यूट करने के लिए कि बीजेपी का जितना फ्लैग है पूरा शहर में उसको निकालो। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अमित शाह भुवनेश्वर आ रहे हैं, इसीलिए शहर में जहां बीजेपी का फ्लैग था, जहां प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का पोर्ट्रेट्स था, फ्लेक्स था, जहां श्री अमित शाह जी का पोर्ट्रेट्स था, ये सबको निकाल के फेंक दो। इसीलिए ऐसा एक सिचुएशन हुआ है, हम लोग सडनली इसको देखा, उसको पूरा पार्टी का ये सबका मन में एक इशू क्रिएट हुआ है कि ये सरकार डेमोक्रेसी का सबसे लो लेवल में ये जा रहे हैं, ये एक इंटॉलरेंट सरकार है, ये अनडेमोक्रेटिक अप्रोच दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों का डिमांड है कि मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश के लोगों के सामने माफ़ी मांगे ऐसा अनडेमोक्रेटिक अपॉलिटिकल काम करने के लिए, उसके बाद ये प्रोटेस्ट खत्म होगा। नहीं होगा तो ये सत्याग्रह चलेगा, चलता रहेगा। जितने दिन तक ये सब नहीं हुआ है, जितना दिन तक ये गवर्नमेंट रियलाइज नहीं किया है, ये सत्याग्रह चलता रहेगा जरूर। ये कल हमारा प्रोग्राम भी है, फिर भी हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अगर ये जो किस्सा है ये किस्सा खत्म नहीं होने तक हम लोग यहाँ बैठते रहेंगे।